एज ए बच्चे जब आप एस्पिरेंट होते हैं, आपको यही पता नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और आप सीधे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाएं, सीधा आप कोई भी ऐसे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स उठा के बैठ जाएं, या फिर सीधा अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने बैठ जाएं, दैट विल नॉट रियली हेल्प यू. व्हाट विल हेल्प यू इज कि आप इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, इनके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कीजिए. इनमें जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने कई बार बताया, इकोनॉमिक्स में अगर इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझे सिवाय आप इतने सारे वेरियस कॉन्सेप्ट्स बिजनेस के हों या फिर इकोनॉमिक्स के हों, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, करंट अफेयर्स में आते हैं, उसमें आपको सिर में कुछ घुसेगा ही नहीं कि एक्चुअली क्या पढ़ रहे हो आप. तो दैट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस तरह से थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिकली पढ़िए, समझिए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न. माई लास्ट पीस ऑफ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस टू यू इज कीप गोइंग, बट ऑलवेज कीप क्रिटिसाइजिंग, एनालाइजिंग योर सेल्फ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ. खुद को एनालाइज करिए, थोड़ा थोड़ा पिवट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए, क्योंकि चेंजिंग नहीं करेंगे थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंटली, तो फिर आपको उसका रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. हल्का हल्का सा जहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ चेंजेस कीजिए. व्हेन समथिंग इज वर्किंग आउट वेल, उसको फिर कंटिन्यूअसली करिए, एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, उसको हल्का सा चेंज करके हल्का सा उसमें मॉडिफिकेशंस कीजिए. सो दैट इज हाउ सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट यूपीएससी, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है करना. ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, एंड आई होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस.